भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के स्थापना दिवस के मौके पर बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। गुरुवार रात इस शुभारंभ के मौके पर बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि इस टूर्नामेंट में वार्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया है और अजमेर और किशनगढ़ मिलाकर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिनके रोजाना दो लीग मुकाबले होंगे। 7 अप्रैल से शुरू हुई है प्रतियोगिता, 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। फाइनल में विजेता टीम को 21,000 का नकद इनाम मिलेगा। पुष्कर रोड स्थित बॉक्स क्रिकेट खेल ग्राउंड में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मीडिया वसेज अधिवक्ता और नगर निगम वसेज पार्षदों के बीच खेले गए फ्रेंडली मैच से हुआ, जिसमें मीडिया ने अधिवक्ताओं को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे 42वां स्थापना दिवस है, तो आज युवा मोर्चा अजमेर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करा है, क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसके अंदर वार्ड स्तर के ऊपर प्रतियोगिता है, जिसमें लगभग 100 टीमों ने पार्टिसिपेट करा है। पहले क्वालिफायर राउंड चलेगा, फिर उसके बाद में वार्ड स्तर के ऊपर क्रिकेट खेला जाएगा। इसके अंदर युवा मोर्चा की तरफ से जो विजेता टीम है उसको 21,000 रुपये का पारितोषिक इनाम है, 11,000 रुपये उपविजेता है, और सभी युवा मोर्चा की जितनी भी टीम है और जितनी मेंबर सबको टी शर्ट मिलेगी युवा मोर्चा की तरफ से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। आज उद्घाटन सत्र था, उद्घाटन सत्र के अंदर जो हमारी प्रथम महिला महापौर है ब्रजलता जी हाड़ा, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रियशील जी भाई साहब, हमारे एमएलए प्रत्याशी रहे किशनगढ़ से युवा नेता जो है विकास जी चौधरी, हमारे दोनों महामंत्री रमेश जी और संपत जी भाई साहब उपस्थित रहे कार्यक्रम के। लगभग 8-8 ओवर का मैच होगा, क्वालिफायर 6-6 ओवर का होगा, फिर उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल 10 और 12 ओवर का खेला जाएगा। डे नाइट मैच है, 5 बजे शाम को स्टार्ट होगा और रात को 11 से 12 बजे तक चलेगा।